कटिहार में जिला प्रशासन की तरफ से जरूरतमंद लोगों के लिए 18 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। इन किचन के माध्यम से दिहाड़ी मजदूर और अन्य जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जा रहा है, जो लॉकडाउन की वजह से भोजन का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही एक सामुदायिक किचन का जायजा लेने जिलाधिकारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खुद भोजन चखकर उसकी गुणवत्ता की तारीफ भी की। खाना बढ़िया बना, दाल को हम लोग हर डे चेंज कराते हैं, किसी दिन अरहर का, किसी दिन मूंग का, दो तीन चीज़ में सुधार करना है। एक तो वो प्लास्टिक वाले में तो सब नहीं रहेगा, दूसरा ग्लव्स खरीद दीजिए, ग्लव्स को मास्क भी ठीक। इसका बेसिक पॉइंट ये है कि लॉकडाउन होने के कारण कई लोग जो दैनिक मजदूर होते हैं या रिक्शा चालक होते हैं, जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उनको हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण डेली काम ना मिले, तो उनके लिए बेसिकली, और जो वृद्ध हैं, भिखारी हैं, छोटे बच्चे हैं जो कि रोड पर रहते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। ये हरिशंकर नायक जो हमारा दुर्गा स्थान स्कूल है, उसमें हम लोगों ने व्यवस्था की है। खाना बहुत अच्छा बना है, मैंने स्वयं खाया है, सब्ज़ी वगैरह अच्छी बनी है, साफ़ सफाई भी अभी दिख रही है, और कुछ जो आवश्यक निर्देश हमें देने थे हम लोगों ने दे दिया है। और हम लोग यही चाहेंगे कि इस लॉकडाउन की अवधि में जितने भी लोग को खाना खाने में दिक्कत है, मैं अपील करता हूँ सब लोग यहाँ आएँ और इसका स्वाद का आनंद उठाएँ, खाना खाएँ, और उसके बाद अपने अपने घरों में जा कर के घर में ही रहें और मास्क पहने। यहाँ भी हमने कह दिया है कि मास्क का इंतज़ाम कर देने के लिए, कई बच्चे आ रहे हैं जिनके पास मास्क नहीं है।